हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजियन साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट्स के वन लाइनर क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड हमने MCQs टाइप के एक वीडियो को अपलोड किया हुआ है और साथ साथ वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चंस की वीडियो को भी हमने ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है अपने चैनल पर। तो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में प्लांट पैथोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम प्लांट पैथोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइटोपैथोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन से 3 शब्द हैं? पहला साथियों, पहला शब्द है फाइटोन। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट यानी पौधा, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या एलिमेंट्स, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो ये फाइटोपैथोलॉजी, जिसे आप प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों फाइटोन, पैथोस और लोगस से हुई है। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या एलिमेंट्स, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें, पादप रोगों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, या पादप रोग विज्ञानी बोलते हैं। प्लांट पैथोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है जो प्लांट डिजीजेस को स्टडी करता है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो कवकों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, उसे कवक विज्ञान कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बात करें तो माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं हम कवक विज्ञान को। कवक विज्ञान, जिसमें हम कवकों के बारे में सारी डिटेल्स उनकी स्टडी करते हैं, कवक क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, वो किस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से वो परपेचुएशन करते हैं, किस तरीके से वो जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम कवकों के बारे में जो पढ़ते हैं माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो साथियों, जीवाणुओं का अध्ययन हम करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में, या जीवाणु विज्ञान में करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच जो है जीवाणु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं, इसमें हम बैक्टीरिया से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, विषाणुओं को यानी जो वायरसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान में हम वायरसेस का स्टडी करते हैं, विषाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन, जिसे आप कहते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड और यूरोप में आलू की पछेती झुलसा द्वारा यानी लेट ब्लाइट ऑफ जो पोटैटो है उसके द्वारा अकाल, या उसके द्वारा कह सकते हैं दुर्भिक्ष यानी फेमाइन, कब आया था? तो ये हुआ था 1846 भी दिया गया है, ज़्यादातर केसेस में आपको 1845 मिलेगा। तो आयरलैंड और यूरोप में आलू की जो पछेती झुलसा है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है, उसके द्वारा जो है बहुत ही जो है कह सकते हैं विकराल रूप में महामारी का रूप धारण कर करके जो है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ का जो है प्रकोप हुआ था, और जिसके कारण जो है लगभग 1/3 जनसंख्या वहाँ की समाप्त हो गई थी, ऐसा माना जाता है। ये हुआ था 1846 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कॉफ़ी के ऊपर, तो जो कॉफ़ी क्रॉप है इसके ऊपर जो है कॉफ़ी रस्ट का भयंकर रूप से या महामारी के रूप में कब प्रकोप हुआ था? तो साथियों, ये हुआ था 1867 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम गन्ने का लाल सड़न रोग यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन किस वर्ष में महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ? तो ये साथियों था 1938 और 1939 में उत्तर प्रदेश में शुगर केन का जो रेड रॉट जो डिजीज़ है यानी जिसको कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कहते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म को, उसके द्वारा जो है महामारी उत्पन्न हुई थी 1938 और 1939 में। अगला क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस ने अपनी किस पुस्तक में पादप रोगों का जिक्र किया था? तो साथियों, प्लांट डिजीज़ के बारे में थियोफ्रेस्टस ने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स नाम से अपनी पुस्तक लिखी थी, और उसमें उन्होंने पौधों की जो संबंधित रोग हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एंटोन डी वेरी, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो एंटोन डी वेरी को हम कवक विज्ञान का जनक कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एंटोन डी वेरी को फादर ऑफ माइकोबायोलॉजी कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन माइकोबायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं ईजी बटलर को, इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रीवोस्ट ने किस सन में यह सिद्ध किया कि गेहूं का बंट रोग एक कवक द्वारा फैलता है? जो बंट डिजीज़ है ये फंगस के द्वारा फैलती है, तो इसको किस सन में इन्होंने सिद्ध किया था? तो इन्होंने 1807 में इस बात को स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, एंटोनी डी वेरी को पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये जो एंटोनी डी वेरी हैं जिन्हें हम कवक विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं, इन्हें हम प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एंटोनी डी वेरी को हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डी वेरी ने, यानी एंटोनी डी वेरी ने आलू की पछेती झुलसा या पछेती अंगमारी का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इनका जो मेजर जो क्रॉप जो है डिजीज थी वो थी जो है आपका लेट ब्लाइटा पोटैटो पर इन्होंने विस्तृत रूप से एक डिटेल स्टडी किया था। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर मिलार्डे ने, मिलार्डेट लिखा रहता है लेकिन उसमें टी साइलेंट है, तो प्रोफेसर मिलार्डे ने बोर्डो मिक्सर की खोज की थी किसन में की थी, 1882 में की थी, कहीं कहीं पर 1885 भी लिखा रहता है तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको 1882 ही मिलेगा। प्रोफेसर मिलार्डे ने बोर्डो मिक्सर की खोज कब की थी, तो 1882 में की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ईजे बटलर को भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है, तो साथियों जैसे वर्ल्ड वाइड हम विश्व में मानते हैं एंटोनी डी वेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसी तरीके से हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ईजे बटलर को पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह कौन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले कवकों को एकत्र करके उनकी पहचान का कार्य प्रारंभ किया था, तो यानी हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंगस को कलेक्ट किया उनको और उनका आइडेंटिफिकेशन या उनको स्पॉटिंग करना प्रारंभ किया था, तो साथ ही वो साइंटिस्ट थे के आर कीर्तिकर जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में कवकों को एकत्रित करके उनको पहचानने का कार्य प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा के आर कीर्तिकर वो साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो साथियों ये था 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जो ये मैगजीन थी इसका पब्लिकेशन या कह सकते हैं इसको पब्लिश करने का कार्य किस सन से स्टार्ट किया गया था, तो 1948 से 1948 से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में धान्य किट्टों के रोग चक्रों को किसने खोजा था, तो जो सीरियल जो रस्ट होते हैं इसके रिजिस साइकिल के बारे में किसने जानकारी दी थी, तो साथियों ये थे केसी मेहता को हम वीट रस्ट के फादर के रूप में भी जानते हैं, फादर ऑफ वीट रस्ट के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो ये है केसी मेहता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूँ के किट रोग का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वही क्वेश्चन जिसको हमने भी डिस्कस किया था कि भारत में गेहूँ के किट रोग के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो साथियों वो है केसी मेहता को जो वीट रस्ट है उसके फादर के रूप में जाना जाता है, जो वीट रस्ट डिजीज़ है इसके फादर के रूप में किसे कंसिडर किया जाता है, किसे जाना जाता है, तो वो है केसी मेहता को गेहूँ के किट रोग के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वायराइड द्वारा उत्पन्न आलू का जो तर्क कंद रोग है जो इसका स्पिंडल फाइबर डिजीज़ है, तो वो किसने इसको इसके बारे में खोजा था, तो साथी वो थे आपका टीओ डाइनर ने जो है आलू का तर्कुकंद रोग के बारे में जो जानकारी दी थी वो थे टीओ डाइनर, या कह सकते हैं कि वायराइड को किसने खोजा था, तो वायराइड्स के खोजने का श्रेय भी इन्हें को जाता है टीओ डाइनर को वायराइड्स की इन्वेंशन या वायराइड्स की खोजने डिस्कवरी के बारे में इनको जाना जाता है, टीओ डाइनर ने जो है आलू का तर्कुकंद रोग की खोज की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स यानी कवक और रोग पौधों में नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो साथियों ये थे ईजे बटलर ने फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स। अभी हमने एक और पुस्तक के बारे में ऊपर डिस्कस किया है इंक्वायरी इंटू प्लांट्स किस नाम से था, इंक्वायरी इंटू प्लांट्स नाम से ही था, तो किस थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, एक बार देख लेते हैं कौन सी बुक थी वो, इंक्वायरी इंटू प्लांट्स, हाँ ये थी, प्रेस्टस ने इस पुस्तक को लिखा था और उसमें जो है इन्होंने जो है रोगों के बारे में, प्लांट की जो डिजीज होती है उसके बारे में इन्होंने डिटेल में स्टडी की थी, रोगों को डिस्कस किया हुआ था, तो उसी तरीके से ये बुक है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, ये ईजे बटलर ने इसे लिखा था। अगला क्वेश्चन है जीवाणु द्वारा उत्पन्न पादप रोग का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, तो साथियों ये थे आपका टीजे ब्लूरिल ने जो है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न जो प्लांट डिजीज होते हैं इनका सबसे पहले अध्ययन किया था, या कह सकते हैं इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें तंबाकू मोजाइक विषाणु रोग की खोज किसने की थी, तो साथियों वे थे आपके दमित्री इवानोस्की, ये रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है तंबाकू के जो मोजाइक जो वायरस है इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया था डिटेल में, जो है इन्होंने जो है अर्थात कह सकते हैं इसकी इन्होंने खोज की थी, तंबाकू मोजाइक विषाणु रोग की खोज दमित्री इवानोस्की को जाता है, इसकी खोज का श्रेय दमित्रो इवानोस्की को जाता है, टोबैको मोजाइक वायरल डिजीज़ है इसको खोजा था दमित्रो इवानोस्की ने। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वल्नरेबल टाइप के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको सारी बातें आसानी समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर जो हमने मैटर बनाया हुआ है उसको हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कैंडिडेट के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए